चलिए बात कर लेते हैं धमतरी की, जहां पर अतिक्रमण हर गांव के लिए विकराल समस्या बन चुका है। शासन प्रशासन की उदासीन रवैये के चलते ही हर गांव में यह समस्या आम बात हो गई है। मामला धमतरी के बरांचल क्षेत्र ग्राम के मकर दोना का है, जहां पर ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और कलेक्टर से शिकायत भी दर्ज करा दी है। साथ ही बताया गया है कि कुछ लोगों द्वारा ही धरसा मार्ग पर अतिक्रमण कर खेत बनाया गया है, जिससे गाँव की शांति व्यवस्था बिगड़ गई है। देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन कब तक कार्यवाही करता है। समस्या ये है कि हमारे धरसा का जो निर्माण हुआ था 7-8 में, उस तो राम आधार पिता लतखोर, राधे पिता लतखोर, गंगाराम पिता लतखोर, इन लोगों ने जबरदस्ती हमारे धरसे को तोड़ दिया। 9 मीटर है रोड, उसका पूरा खन कोड़ दिया। तो हमारा कहना, मीटिंग बुला करके उनको समझाई दिया गया कि भाई इनको बना के दे दो। तो कहता मैं नहीं बनाऊंगा, 2-3 बार हो गया, उसके बाद भी नहीं बना, इसलिए हम यहाँ जन दर्शन लगाने। हमारा एक रोड बनना चाहिए, हमारे आने जाने का साधन है वो। हमारे धरसा निर्माण हुए थे लगभग 20 से 25 साल पहले, वो उसमें PW वाले रोड बनाए थे पंचायत द्वारा, उसको तोड़ दिए है, अभी 4 साल हो गए हैं। उसके लिए हम लोगों ने ग्रामीण मीटिंग भी किए, ग्राम सभा के माध्यम से भी समझाए, जो भी करना है वो कर लो, हम नहीं छोड़ेंगे कहना। उसमें हम लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है, यानी कि वहाँ ले जाने के लिए, निस्तारी के लिए, कहीं आना जाने के लिए पूरा खन के हटा दिए, उसको खेत बना दिए है। जो करना है कर लो, नहीं छोड़ूंगा ऐसे कहना है। हमारा धरसा बन जाए, हमारा निस्तारी हो जाए, बस वही कहना है। यहाँ भी दिए, तहसील ऑफिस में भी दिए हैं, यहाँ आए हैं अभी हम लोग। गांव में जो सड़क निर्माण हुआ था, उस बनाए गए थे, उसके कुछ गांव के लोग तोड़कर उसको खेती कर रहे हैं। तो हम सब किसानों को, गांव वालों को आने जाने के लिए, कृषि करने के लिए समस्या हो रही है, उसी के लिए हम लोग यहां आए हैं। समस्या ये है कि हमारे धर